ओम शांति। आज के नवरात्रि के दूसरे दिन माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप से हम आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और वंदना करते हैं। अभी अगर हम देखें तो इनके साथ भक्ति में शास्त्रों के अंदर क्या बातें बताई हुई है, इस ब्रह्मचारिणी स्वरूप के आधार पर क्या कहानी दिखाई हुई है, उसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। क्या बताते हैं कि माता सती अपना प्राण त्याग कर देती है, उसके बाद उनका जो दूसरा जन्म है वो शैल पुत्री के रूप में होता है। फिर दिखाते हैं कि वो हमारी तरह ही एक मनुष्य होते हैं, इसलिए उनको उनका पुनर्जन्म याद नहीं होता है। लेकिन इस तरफ शंकर जी, जिसके लिए बताते हैं कि सती जी के जाने के बाद वो बहुत ही शोक मग्न अवस्था में होते हैं, उनके जाने की दुख की अवस्था में होते हैं, तब सब देवताएं मिलकर के ऐसा निश्चित करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं कि शैलपुत्री का विवाह शंकर जी के साथ कर दिया जाए तो उसके लिए नारद जी को बुलाया जाता है। और फिर नारद जी विवाह का प्रस्ताव लेकर के शैलपुत्री के पास जाते हैं और उनको शंकर जी से शादी करने के लिए प्रेरित करते हैं। तब बताते हैं कि वो शंकर जी को राजी करने के लिए तपस्या करते हैं और उनकी तपस्या इतनी श्रेष्ठ होती है, कहते हैं कि पूरे ब्रह्मांड में कोई भी ऐसी तपस्या नहीं कर पाता है और पूरा ब्रह्मांड उनकी तपस्या से हिल जाता है। तब बताते हैं कि उसके बाद उनका जो नाम पड़ा वो है ब्रह्मचारिणी। तब से माँ दुर्गा का ब्रह्मचारिणी स्वरूप सामने आता है और माँ ब्रह्मचारिणी के रूप में उनको भक्त लोग याद करते हैं। अगर हम देखें तो इसके पीछे का आध्यात्मिक भाव क्या है, क्या समझ में आता है? ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मा मतलब तपस्या का स्वरूप और चारिणी मतलब आचरण करने वाली। ब्रह्मचारिणी मतलब कि तप का आचरण करने वाली। तप के लिए पवित्रता चाहिए और पवित्रता को बहुत बड़ी शक्ति माना गया है। कहते हैं जीवन के अंदर जब पवित्रता होती है तो सुख भी आता है और शांति भी आती है। पवित्रता को सुख शांति की जननी मतलब की माता भी कहा गया है। अगर हम देखें तो ब्रह्मचारिणी का अर्थ क्या होता है, दूसरा स्वरूप अगर देखें तो ब्रह्मा के नक्शे कदम पर चलने वाली, ब्रह्मा की बताई हुई बातों को आचरण में लाने वाली। परमात्मा पिता शिव ने जो भी शिक्षाएं दी है उस ब्रह्म वाक्यों को, उस ब्रह्म शिक्षाओं को, उस ब्रह्म आज्ञाओं को जीवन में धारण करना है, उसे भी ब्रह्मचारिणी कहा जाता है। अगर देखे दूसरी बात तो उनके एक हाथ में जयमाला दिखाते हैं। जयमाला का प्रतीक क्या होता है, अगर इसका अर्थ समझे तो जयमाला परमात्मा के साथ बुद्धि से जुड़ने का प्रतीक है। ब्रह्म लोक में रहने वाले ईश्वर के साथ स्मृति से जुड़ने का प्रतीक है। और दूसरे हाथ में कमंडल दिखाया हुआ है। कमंडल जो है वो हमें ये दर्शाता है कि जब हमारे जीवन में पवित्रता होती है, हमारी बुद्धि वो पार ब्रह्म में रहने वाले ईश्वर के साथ जुड़ती है, तो ये जो जीवन है, जीवन का आकार जो है वो बड़ा ही सुंदर हो जाता है। आखिर में ये जो बात है वो आत्मा के सुंदरता की बात कही हुई है, शरीर की सुंदरता नहीं, लेकिन आत्मा को निखारना है। जब आत्मा के अंदर पवित्रता की शक्ति आती है तो उसके बोल में, उनके व्यवहार में और उनके कर्मों में शुद्धि दिखना शुरू हो जाती है। और जब आत्मा परमात्मा के साथ जुड़ती है तो उनके निर्णय शक्ति पावरफुल हो जाती है। अगर हम देखें तो आज के समय के अंदर व्यक्ति के जीवन में डिसीजन पावर नहीं है, निर्णय शक्ति नहीं है, उसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाते हैं। और आज
उसकी बहुत ही आवश्यकता है और वो निर्णय शक्ति परमात्मा की साथ की स्मृति से सही आती है। विचार की शुद्धता लाना बहुत ही आवश्यक है और विचार की शुद्धता परमात्मा की स्मृति से आती है। जब जीवन में तप आता है, तपस्या आती है, तो जीवन का जो संयम है वो बना रहता है और संयमित व्यक्ति जो कर्म करता है उसमें वो सफल होता है और वो खुशी को भी प्राप्त करता है। जहाँ जीवन में संयम नहीं है वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसके विचार में शुद्धता नहीं है और इसी वजह से कर्मों में सदाचार भी नहीं आता है। एक छोटी सी बात के आधार से हम समझते हैं विचारों में शुद्धता क्यों जरूरी है। देखिए, तीन ट्राइब के लोग होते हैं। एक है प्राकृतिक विचारधारा वाले लोग, एक है विकृतिक विचारधारा वाले लोग और एक है सांस्कृतिक विचारधारा वाले लोग। विकृतिक विचारधारा वाले लोग मतलब क्या होता है, प्राकृतिक विचारधारा वाले लोग मतलब क्या होता है, उसको समझते हैं। समझो कि किसी ने मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ा है फिर भी मुझे उसका बुरा करने का संकल्प मेरा चलता है तो उसे विकृति कहा जाता है। कोई मेरा कुछ बिगाड़ता है और मुझे सामने उसका बिगाड़ने का दिल होता है तो वो मानव सहज नेचर प्रकृति है ऐसा माना जाता है। और कोई मेरा बिना गलती के बिगाड़ता रहता है और मुझे माफ़ कर देने की भावना जागृत होती है तो उसे सांस्कृतिक विचारधारा वाले लोग कहा जाता है। और जब व्यक्ति के जीवन में प्योरिटी आती है, पवित्रता आती है, तो उसका जीवन भी विकृति से संस्कृति तरफ आगे बढ़ता है। और जब व्यक्ति की विचारधारा सांस्कृतिक टाइप हो जाती है तो उनके जीवन में दिव्यता दिखना शुरू हो जाता है। उनके वाणी में, उनके व्यवहार में, उनके कर्मों में शुद्धता दिखना शुरू हो जाती है। और अगर हम कहें तो जहाँ वाणी, वर्तन, व्यवहार में शुद्धता है तो सदाचार और संयम जैसे गुण, निर्मलता जैसे गुण हमारे जीवन में प्रतीत होते हैं। उस वजह से क्या होगा कि जीवन खुशहाल हो जाएगा। हम ही नहीं लेकिन हमारे आसपास रहने वाले लोगों का जीवन भी परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। और यही प्रतीक हमें आज नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी के स्वरूप से सीखने को मिलता है, जो पवित्रता की देवी के रूप में भी पूजी जाती है, जिनके जीवन से हम पवित्रता की शक्ति को अपनाने की सीख प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये पवित्रता हमारे कर्मेंद्रियों के साथ भी जुड़ी हुई है। आज अगर देखें तो दुनिया के अंदर लोगों के जीवन से शुद्धता चली गई है, जाने लगी है। आज हम देखें कि कर्मेंद्रियों के साथ कैसे पवित्रता जुड़ी हुई है। आज ज़्यादा मोबाइल देखते हैं उसकी वजह से आंखें खराब हो रही है, गलत गलत सुनते हैं उसकी वजह से मन खराब हो रहा है, ज़्यादा मोबाइल पे बातें करते हैं उसकी वजह से कान भी खराब होते हैं, ज़्यादा गलत गलत सोचने की वजह से निर्णय शक्ति चली जा रही है, गलत खान पान की वजह से, खान पान में जहाँ शुद्धता नहीं है तो पेट खराब हो रहा है। तो सारी बातें कहीं ना कहीं अपवित्र व्यर्थ विचारों की वजह से, अपवित्र बोल की वजह से, अपवित्र कर्मों की वजह से ही हो रही है। तो इसलिए आज से हम ये दृढ़ संकल्प करते हैं कि दूसरे दिन हम हमारे विचारों को शुद्धता में परिवर्तन करेंगे, हम हमारे कर्मों में पवित्रता लाएंगे। तन मन धन विचार वाणी वर्तन संबंध और संपर्क में पवित्रता लाने की कोशिश करते हैं। अगर हम देखें तो दुनिया के अंदर व्यक्ति आज के समय में फिट रहना चाहता है, फाइन रहना चाहता है। और फिट और फाइन किस आधार से रह सकता है? तो दो काम करते हैं, एक तो एक्सरसाइज करते हैं और दूसरा डाइट करते हैं। तो तन की तंदुरुस्ती के लिए ये दो जरूरी है। तो उसी प्रकार से अगर हमें जीवन को भी सुंदर बनाना है, मन को भी तंदुरुस्त रखना है, तो उसके लिए भी तो यही दो बातें आवश्यक है। दो बातें कौन सी बताई? एक तो बताई है डाइट और दूसरा क्या बताया? एक्सरसाइज। डाइट क्या करना है? तो जीवन में शुद्धता को धारण करना है। हमें हमारे मन से, वाणी से, कर्मों से, हर
बात में शुद्धता को अपनाना है, और जब हम इस शुद्धता को जीवन में ला देंगे तो जीवन हमारा डेफिनेटली सुंदर बन जाएगा। और दूसरा है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज किसकी करनी है? मन की एक्सरसाइज करनी है। कैसे करेंगे मन की एक्सरसाइज? मन से ऊपर वाले ईश्वर के साथ हमें जुड़ना है। जब दिखाते हैं ना कि देवी के हाथ में जय माला होती है, वो स्मरण की यादगार है। बुद्धि बल द्वारा ईश्वर के सानिध्य में उसके साथ बातचीत करनी है, और जब उनके साथ जुड़ते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, तो हमारी आत्मा रूपी जो बैटरी है वो चार्ज होती है। आत्मा रूपी जब बैटरी चार्ज होती है तो आत्मा पावरफुल होती है। जब बैटरी चार्ज नहीं होती है तो क्या होता है कि मोबाइल हो या कंप्यूटर हो, कुछ भी हो, बंद हो जाता है। वैसे ही आत्मा की बैटरी अगर चार्ज नहीं होगी तो क्या होगा कि हम भी थक जाएंगे, निराश हो जाएंगे, दिल शिकस्त हो जाएंगे। इसलिए पवित्रता को हमें जीवन में धारण करना है तो हमें व्यर्थ का डाइट भी करना है और हमें एक्सरसाइज भी करनी है। और जब हम ये दोनों बातों को फॉलो कर लेंगे तो नेचुरली जीवन जो है वो बड़ा ही प्यारा और बड़ा ही सुंदर बन जाएगा। अगर हम देखें तो क्या दिखाते हैं कि ईंट जो होती है उसको भट्ठे में डाला जाता है, और जो वो भट्ठे में पड़ती है तो वो पक करके बाहर निकलती है ना। सोना होता है, सोने को भी अगर अग्नि में डाला जाए तो अग्नि में जाने के बाद वो मोल्ड भी होता है और रियल गोल्ड भी बनता है। उसी प्रकार से पवित्रता की शक्ति कहा गया है, जब आत्मा तपस्या में लगती है तो आत्मा के ऊपर जो विकार रूपी जंक चढ़े हुए हैं वो जंक धीरे धीरे खत्म हो जाएंगे। और जब आत्मा के विकार जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, राग, द्वेष, ईर्ष्या, हिंसा, नफरत, घृणा, ये सब खत्म होते जाएंगे तो नेचुरली जीवन के अंदर सुख, शांति, पवित्रता और ये सारे गुण जो है वो आना शुरू हो जाएंगे। इसलिए हमें क्या करना है? तपस्वी जीवन बनाना है। तो चलिए अभी 2 मिनट के लिए अपने मन और बुद्धि को सब तरफ से हटा दीजिए और हम अभ्यास करते हैं पवित्रता की शक्ति का। देखेंगे ये 2 भ्रकुटी के बीच मध्य में विराजमान मैं एक पवित्र आत्मा हूँ। पवित्रता मेरी पूंजी है। पवित्रता मेरी शक्ति है। पवित्रता मतलब शुद्धता। ये शुद्धता मेरे मन, वचन और कर्मेंद्रियों में दिख रही है। आज के बाद मेरे हर बोल सबको सुख देने वाले होंगे। मेरे हर कर्म दुआएं कमाने वाले होंगे। मेरे हर विचार सही राह दिखाएगा, शुद्धता वाला होगा। मैं एक विशेष, एक शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ
जैसे जैसे मैं आत्मा के स्वरूप में स्थित हो रही हूँ, मेरा ये पवित्रता का गुण शक्ति में बदल रहा है। मैं शक्ति स्वरूप हो रही हूँ। ये पवित्रता की शक्ति मेरे चारों ओर एक प्योर, एक शुद्ध स्वच्छ ओरा बना रही है। जिस शक्ति के अंदर कोई भी असुर, मतलब कि विकार, प्रवेश नहीं कर सकता। मैं अपने आप में सुरक्षित हूँ, क्योंकि मैं पवित्रता का पुंज हूँ, पवित्रता का सागर, परमात्मा पिता शिव की मैं संतान हूँ। उनकी व्हाइट कलर की श्वेत किरणें पवित्रता की पावर मुझ आत्मा पर आ रही है। मैं आत्मा अपने आप को पवित्रता की शक्ति से भरपूर अनुभव कर रही हूँ।